इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। चिकित्सा क्षेत्र में 5 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय ऑर्थोडोंटिक्स डे मनाया जाता है, जहां इसी कड़ी में इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सालय में आज ऑर्थोडोंटिक्स डे मनाया गया, जहां विद्यार्थियों को इस दिन के बारे में जानकारी दी गई। वहीं शहर में इसको लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सालय के प्रिंसिपल डॉक्टर संध्या जैन ने बताया कि गुरुवार से 7 दिवसीय अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नेशनल ऑर्थोडोंटिक्स डे के अंतर्गत ओरल केयर, ऑर्थोडोंटिक्स सहित अन्य संबंधित विषयों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं शुक्रवार से शहर की 56 दुकान व अन्य पब्लिक स्पॉट पर ऑर्थोडोंटिक अवेयरनेस प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें क्विज कॉम्पिटिशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन, स्माइल कॉम्पिटिशन आदि आयोजन होंगे। इंदौर के शासकीय दंत अस्पताल में हुए आयोजन में मुख्य रूप से MGM के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित मौजूद रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि ऑर्थोडोंटिक स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक पहल है, जो विशेषज्ञ ऑर्थोडोंटिक देखभाल के लाभों को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मिशन में दुनिया भर के ऑर्थोडोंटिक पेशेवरों, संगठनों और रोगियों को एकजुट करता है। आज नेशनल ऑर्थोडोंटिक डे है। ये नेशनल ऑर्थोडोंटिक डे हम यहाँ शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में मनाने जा रहे हैं। ये 7 दिन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम स्टूडेंट्स में और पब्लिक में ओरल हेल्थ और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इसके तहत हमने कई प्रोग्राम रखे हैं, जैसे क्विज कंपटीशन है, पोस्टर कंपटीशन है, स्माइल डिस्प्ले का स्माइल कंपटीशन है, और इसी के साथ साथ हमने एक प्रोग्राम 56 दुकान पे भी रखा है, जिसमें कि सारे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स एक स्किट करेंगे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि प्रायर यह देखा गया है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की राइट एज क्या है, ये किसी को पता ही नहीं होता। इवन मेडिकल हमारे काउंटर पार्ट्स में भी एक मतलब मिसकंसेप्शन है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है सारे परमानेंट दांत आने के बाद ही चालू होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये जिसका जो सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए जो दिखाना चालू किया जाता है, 7 साल की उम्र से चालू किया जाता है। तो क्योंकि कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जो ग्रोथ के साथ साथ में ट्रीटमेंट ग्रोथ ट्रीटमेंट के साथ साथ में हम बिना दांत निकाले दांत सीधे कर सकते हैं, जबड़ा सीधा कर सकते हैं, जब देखिए हार्मोनाइज कर सकते हैं, ताकि पूरा ओवरऑल उसका एस्थेटिक है पेशेंट का अच्छा हो सके। तो राइट समय पे पेशेंट का आना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक स्किट तैयार करके 56 दुकान पे कल शाम को प्रस्तुत की जाएगी, और इसके साथ ही कई प्रोग्राम हमने कॉलेज स्तर पर हमने चालू कर दिए हैं। और आज इसी तारतम्य में हमने ये प्रोग्राम रखा था, जिसमें कि हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय दीक्षित, जो डीन है मेडिकल कॉलेज इधर MYH में, मेडिकल कॉलेज इसमें, तो उनको बुलाया है हमने। और इसमें काफ़ी बच्चों ने बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। सारे बच्चे जो अभी जो फर्स्ट ईयर का बैच आया है, उन्होंने भी पूरा उसमें उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया है। और ये अभी हमारा 12 तारीख तक चलता रहेगा ये प्रोग्राम। ये आज वर्ल्ड ऑर्थोडोंटिस्ट डे है 5 अक्टूबर। इसमें डेंटल कॉलेज ने एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है, जो अगले एक हफ्ते चलेगा, जिसमें कि पोस्टर कंपटीशन, स्माइल कंपटीशन, स्किट, इसमें कल इन्होंने 56 दुकान पे भी एक स्किट किया था। तो ये मैं प्रिंसिपल मैडम को और स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और इसमें कुछ अच्छे अच्छे स्लोगन्स भी हैं, जैसे एक था कि डोंट रश व्हेन यू ब्रश, तो काफ़ी चीज़ें एजुकेशनल की हैं। तो मैं पुनः बधाई देता हूँ डेंटल कॉलेज।